अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी भाई जी फैमिली बिल्कुल ठीक होगी, खैर आफियत से होगी। तो आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ अपना ग्रॉसरी शॉपिंग ब्लॉग। तो आज मेरे हस्बैंड रात में आए और ग्रॉसरी भी ख़त्म थी, तो उन्होंने कहा चलो अभी हम चलते हैं, चल के फ़ौरन से ग्रॉसरी लेकर आ जाते हैं, क्योंकि स्टोर हमारे करीब में ही है, इतना दूर नहीं है। तो हम लोग वहाँ से निकले और हमारे पास है मदीना MCC, मदीना कैश एंड कैरी से हम जाकर अपनी मोस्टली ग्रोसरी लेते हैं। तो यहाँ पर हम आ गए। अच्छा, मुझे ज़्यादा मेरी चीज़ें सब में इस दफ़ा ना मेरी सारी जितनी भी मैं दाल ज़्यादा मैं यूज़ करती हूँ, चने दालें सब्ज़ी के मैं बनाती हूँ, लेकिन थोड़ी बहुत थोड़ी सी ना कम बनाती हूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा खाई नहीं जाती, तो दालें ज़्यादा शौक से खाई जाती हैं। तो यहाँ पर मैंने अपनी सारी पल्सेज ले ली, ये आपको मैं इन व्यू दिखाती हूँ यहाँ का। ये इतना कोई बड़ा स्टोर नहीं है मतलब, और यहाँ पे ऐसा है ना कि मैं हमेशा भूल जाती हूँ कौन सी चीज़ कहाँ पर है, क्योंकि जब मैं जाती हूँ इनकी सेटिंग चेंज होती है, जब जाती हूँ सेटिंग चेंज होती है। और मैं बस यही सोचती हूँ यार ये हर वक्त सेटिंग में ही लगे रहते हैं, कभी इधर से चीज़ें उठा के उधर रख देते हैं, उधर की उठा के इधर रख देते हैं। तो खैर यहाँ पर हम लोग फिर अपनी ग्रोसरी ले रहे थे, साथ साथ में चीज़ें मैंने क्या क्या ली, मेरी ग्रोसरी शॉपिंग क्या थी, वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में ग्रोसरी हॉल शेयर करूँगी, तो बताऊँगी। अभी फिल वक्त मैं आपको स्टोर का व्यू दे रही हूँ। यहाँ पे हम घूम रहे थे और अपनी जो भी चीज़ें मैंने लिस्ट बनाई होती है ताकि मुझे याद रहे कि ये चीज़ें ख़त्म हैं, उसके अलावा जो रैंडम थिंग्स देख कर याद आती हैं वो हम लोग ऐसे ही उठा लेते हैं। और जैम में छोटा इसलिए ले रही हूँ कि जैम मेरे हस्बैंड तो खाते नहीं है, और मैं भी कभी कभी ब्लड पे मुझे दिल करता है तो खा लेती हूँ, इसलिए मुझे होता है कि बस पड़ा होना चाहिए, कभी भी मूड आ सकता है कि यार जैम ब्लड पे लगा के खा लेते हैं, तो बस मैं फिर रख लेती हूँ चीज़। और यहाँ पे मैं चेक करी थी बर्गर, और यहाँ पे ना इन्होंने एक चेंजिंग की है। पहले यहाँ पे ना इन्होंने मसालों का एक बार बनाया हुआ था जहाँ पे सारे जितने भी ना बॉक्सेस के मसाला थे वो थे, लेकिन इस दफ़ा इन्होंने यहाँ बीच में बस एक जो कि लाइन लगाई, यहाँ पे इन्होंने ये सारी क्रॉकरी दे दी। और यहाँ पे उस साइड पे थोड़ा सा डिज़ाइनिंग मैंने आपको आपको दिखाई, डिनर सेट फुल नहीं थे, बस वो टी सेट वगैरह इस तरह की चीज़ें थी, स्टैंड थे, और इस साइड पर ये कस्टर्ड सेट केक सेट नज़र आ रहे हैं, और ये बॉटल्स वगैरह थी। अच्छा, मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैंने ये जो बॉटल्स आपको नज़र आ रही हैं रेड वाली, इनमें से मैंने एक बॉटल ली, और पता नहीं जब हम बिलिंग करवा रहे थे वो बॉटल कहीं आगे पीछे हो गई, जब मैं घर आके देखा तो मेरे पास वो बॉटल नहीं थी। तो मैंने दो छोटी ली थी, वो पास थी लेकिन बड़ी नहीं थी, तो मैंने देखा, फिर मैंने लिस्ट में चेक किया तो लिस्ट में भी कहीं पे वो मेंशन नहीं थी, तो मैंने कहा पता नहीं वहाँ काउंटर पे कहीं रह गई है, या मैं अपने हस्बैंड से पूछती कि आपने याद से उठाई नहीं उठाई। तो खैर अब फिर जाऊँगी मुझे, क्योंकि ऐसी एक बोतल मुझे चाहिए थी, मैं शक्कर क्योंकि मैं इसमें मुझे डालने के लिए कंटेनर चाहिए था। तो चलो फिर नेक्स्ट की पे भी चक्कर लगा नज़र आए तो मैं उठा लूँगी। अच्छा, यहाँ पे मैंने अपनी बेटी के लिए कुछ केक वगैरह ले लिए, और यहाँ पे ये जो था इनका सारा स्टेशनरी कंपार्टमेंट था, और टॉयज़ थे बैक साइड पे, सारे टॉयज़ लगे हुए थे बच्चों के फ्रंट पे, इतनी प्यारी प्यारी सारी स्टेशनरी थी, पेन्स इतने स्टाइलिश स्टाइलिश लगे हुए थे ना, और मुझे इतना उस टाइम दिल करता, मैंने कहा बस मेरी मिर्हा जल्दी से बड़ी हो जाए, उसको प्यारे प्यारे ज्योमेट्री बॉक्सेज और पेन्स वगैरह ना ले कर दूँ। तो बस मेरा यहाँ खड़े होकर मैं सिर्फ एक मिनट के लिए यही सोच रही थी कि जल्दी से मेरी बेटी बड़ी हो जाए, मैं उसको स्कूल जब हो जाए तो मैं उसको प्यारे प्यारे पेंस वगैरह लेके दूँ, क्योंकि अभी तो मैं खुद तो लेने से नहीं, मैंने इनको क्या करना है। तो बस फिर हम लोग कुछ राउंड ले रहे थे, जो चीज़ें हमने अपनी ट्रॉली में रखनी थी साथ साथ वो रख रहे थे। और यहाँ पर मिर्हा मेरे साथ नहीं थी, मिर्हा को मैं घर अपनी जेठानी के पास छोड़ के आई थी, बिकॉज फिर बच्ची को उठा के थोड़ा बहुत ना मुश्किल हो जाता है चीज़ें लेना। यहाँ पे फिर हमारी बिलिंग हो रही है, और पता नहीं यहाँ पे मेरी बॉटल की रहेगी है, क्योंकि मैं ना तो मेरा ध्यान नहीं था, मेरे हस्बैंड खड़े थे और मैं जस्ट इधर आगे पीछे देख रही थी कि यहाँ पे बहुत सारी चॉकलेट्स थी, तो देख के मेरा बड़ा दिल आया इनको खाने का, लेकिन मेरा ना दांत में प्रॉब्लम है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा मीठा खा लूँ तो फिर मुझे दांत बहुत मसला करता है। अच्छा जी, तो ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।